हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है गर्भवती परी बहुओं की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है, परी देश में तीन खूबसूरत परी बहने रहती थी। उन तीनों का रंग दूध की तरह सफेद था। जो भी उन्हें एक बार देखता उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। उन तीनों बहनों को पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत पसंद था, इसलिए वो तीनों बहनें हर वीकेंड पर पृथ्वी लोक पर जाया करती थी। इसी बीच उन तीनों की दोस्ती जयपुर में रहने वाले तीन भाई अजय, विजय और सुजय से हो जाती है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर कुछ समय बाद तीनों परी बहनें उन भाइयों से शादी कर लेती हैं। दूसरी तरफ जब ये बात रानी परी को पता चलती है तो वो बहुत नाराज होती हैं और उन तीनों परियों से उनकी जादुई छड़ियां छीन लेती हैं। दूसरी तरफ ससुराल जाते ही तीनों परियों की सास कामिनी मुंह बनाकर अपने तीनों बेटों को ताना मारने लगती है। अरे नालायको, इतने सालों से तुम तीनों बेरोजगार हो, खुद के खाने का तो ठिकाना नहीं है और ऊपर से मुझसे बिना पूछे तुम तीनों ने परियों से शादी कर ली। तभी वहाँ पर कामिनी की सहेली रूपाली आ जाती है और उससे कहती है, तेरे बेटे तो अपना पेट पाल नहीं सकते, इन तीनों को कहाँ से खिलाएंगे। सच में तेरे बेटे तो एक नंबर के बेवकूफ निकले। अरे रूपाली, तू चिंता मत कर, मेरे बेटे बेवकूफ हैं, मैं नहीं। मैं इन परियों की खूबसूरती का पूरा फायदा उठाऊंगी और इस गांव की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। उसके बाद कामिनी बहुत सारे पैसे खर्च करके अपनी तीनों बहुओं के लिए गांव में बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। देखते ही देखते परियों के ब्यूटी पार्लर की बात पूरे गांव में फैल जाती है और सभी लड़कियां मेकअप करवाने के लिए वहां लाइन लगाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा नाम की एक लड़की भी ब्यूटी पार्लर चलाती थी। सभी लड़कियां अब परियों के ब्यूटी पार्लर में जाने लगी थी। इस वजह से पुष्पा दिन भर बेकार बैठकर मक्खियां मारा करती थी, इसलिए परियों के ब्यूटी पार्लर से पुष्पा को बहुत चिढ़ होती थी। उन तीनों परियों की वजह से मेरा धंधा पूरी तरह चौपट हो गया है, मुझे किसी भी तरह उनका ब्यूटी पार्लर बंद करवाना होगा। हाँ, मैं आज ही अपने दोस्त सम्राट जादूगर से मिलती हूँ। उसके बाद पुष्पा अपने दोस्त सम्राट जादूगर के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। इस सम्राट जादूगर के होते हुए तुझे किसी भी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुष्पा रानी, मैं उन तीनों बहनों का वो हाल करूंगा कि दूसरों का मेकअप करना तो दूर, वो तीनों अपने आप को भी आईने में देखने से डरेंगी। उसके बाद सम्राट जादूगर अपनी बिल्ली के मुंह में जादुई जल की एक बोतल दे देता है और मंत्र पढ़कर अपनी बिल्ली को जाने के लिए कह देता है। उसके बाद जादूगर की बिल्ली भागती हुई कामिनी के घर जा पहुंचती है। फिर बिल्ली चुपके से खिड़की के रास्ते रसोई घर में दाखिल हो जाती है। उस समय तीनों बहनें खाना खाने की तैयारी कर रही थी, तभी बिल्ली उनकी नजर बचाकर उनके खाने में वो जादुई जल डालकर वहाँ से भाग जाती है। इस बात से अनजान तीनों बहनें वो खाना खा लेती हैं। लेकिन अगले ही दिन उन तीनों के बालों का रंग सफेद और उनके शरीर का रंग कोयले की तरह काला पड़ जाता है। उनके बाल किसी बूढ़ी औरत की तरह सफेद हो जाते हैं। इस तरह वो तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा बदसूरत बन जाती हैं। अरे ये क्या हो गया, अचानक हम तीनों इतनी बदसूरत कैसे बन गई?
मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आखिर ये सब हमारे साथ हो क्या रहा है। अगले दिन पुष्पा उन तीनों परियों के बदसूरत होने की बात पूरे गांव में फैला देती है, जिस वजह से सभी लड़कियां उनके ब्यूटी पार्लर में जाना बंद कर देती हैं और उन परियों का ब्यूटी पार्लर पूरी तरह से ठप पड़ जाता है। ये देख कामिनी अपना सर पीटने लग जाती है। अरे मनहूसो, तुम तीनों का सत्यानाश हो, तुम तीनों तो दो ही दिन में बदसूरत बन गई। तुम्हारी वजह से मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो गया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम तीनों से एक एक पाई वसूल करके रहूंगी। कल से तुम तीनों खेतों में मजदूरी करने जाओगी और मेरे नुकसान की भरपाई करोगी। तभी कामिनी के तीनों बेटे उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामिनी उन्हें डांट डपट कर खामोश कर देती है। दूसरी तरफ अपनी सास के डर से तीनों परियां खेतों में काम करने लगती हैं, लेकिन परी होने की वजह से वो तीनों बहुत नाजुक थी, इसलिए उनसे खेतों में काम नहीं किया जाता था। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें पता चलता है कि वो तीनों गर्भवती हो गई हैं। माँ जी, हम तीनों इस समय गर्भवती हैं। देखिए, परी होने की वजह से हमने जिंदगी में कभी कोई मेहनत का काम नहीं किया। मेहरबानी करके आप हमसे इस समय खेतों में काम मत करवाइए, वरना हम तीनों के साथ साथ हमारे होने वाले बच्चों की भी जान खतरे में पड़ जाएगी। अरे मुझे बेकार के बहाने मत सुना, मैं तुम तीनों के झांसे में नहीं आने वाली, चुपचाप जाकर खेतों में काम करो। इस तरह बेरहम कामिनी को अपनी गर्भवती बहुओं पर जरा भी तरस नहीं आता और वो उनसे मजदूरी करवाना चालू रखती है। फिर ऐसे ही एक दिन वो तीनों परियां खेतों में काम कर रही थीं, तभी वहां से गुजर रहे सम्राट जादूगर की नजर उन तीनों परियों पर पड़ती है। अरे इस समय तो ये तीनों गर्भवती हैं। गर्भवती परियों की बलि चढ़ाने से शैतान फौरन खुश हो जाता है। मुझे किसी भी तरह इन तीनों परियों को मार कर इनकी बलि चढ़ानी होगी, ऐसा सुनहरा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मैं आज ही जाकर पुष्पा रानी से इस बारे में बात करता हूँ। हाँ, उसके बाद सम्राट जादूगर पुष्पा के घर पहुँच जाता है और उसे अपने बुरे इरादे बताने लगता है। सुनो पुष्पा रानी, अगर हम उन तीनों परियों को मारकर शैतान के सामने उनकी बलि चढ़ा दे तो शैतान खुश होकर हमें अपना जादुई हीरा दे देगा। उस जादुई हीरे की मदद से हम किसी को भी अपने वश में करके लूट सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है। जादुई हीरा मिलने से हम बड़े बड़े अमीर लोगों को लूट कर बहुत धनवान बन जाएंगे। चलो कल ही हम उन तीनों परियों का काम तमाम कर देंगे। फिर अगले दिन जब वो तीनों खेतों से काम करके घर लौट रही थी, तभी सम्राट जादूगर अपनी जादुई शक्ति से उन तीनों को बेहोश कर देता है। फिर पुष्पा और सम्राट तीनों को एक घने जंगल में बड़े पिंजरे के अंदर कैद कर देते हैं। उसके बाद वो दोनों शैतान की पूजा की तैयारी करने वहाँ से निकल जाते हैं। होश में आने के बाद अपने आप को पिंजरे में कैद देखकर तीनों बहनें हैरान हो जाती हैं। अरे ये क्या हो गया, अचानक हम तीनों पिंजरे के अंदर कैसे आ गई? लगता है किसी ने हम तीनों को धोखे से पकड़ा है। हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे लगता है कि ये किसी बुरे जादूगर या तांत्रिक का काम है। हमें किसी भी तरह इस पिंजरे से बाहर निकलना होगा। तभी उन तीनों बहनों की नजर आसमान में उड़ रहे परी देश के तोते पर पड़ती है। तीनों बहनें
आवाज देकर उस तोते को अपने पास बुला लेती हैं और उससे मदद मांगने लगती हैं। अरे तुम तीनों इस तरह पिंजरे के अंदर कैसे कैद हो गई? तुम तीनों अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके पिंजरे से बाहर क्यों नहीं आ जाती? अरे जादुई तोते, ये बहुत ही लंबी कहानी है। हमने पृथ्वी लोक के लड़कों से शादी कर ली थी, इसलिए नाराज होकर रानी परी ने हमसे हमारी जादुई छड़ियाँ छीन ली। अच्छा तो ये बात है, फिक्र मत करो, मैं अभी रानी परी के महल से तुम तीनों की जादुई छड़ियाँ चुरा कर लाता हूँ। उसके बाद तोता हवा में उड़ता हुआ रानी परी के महल में पहुँच जाता है और महल में सबकी नज़र बचा कर वो तोता चुपके से रानी परी के कमरे में दाखिल हो जाता है। तभी उसे बेड पर रखी तीनों परियों की जादुई छड़ी दिखाई देती है। तोता तीनों छड़ियों को उठाकर उड़ता हुआ परियों के पास पहुंच जाता है। तीनों परियां जैसे ही अपनी जादुई छड़ियां पकड़ती हैं, कि तभी उन पर किए गए काले जादू का असर पूरी तरह खत्म हो जाता है और वो तीनों फिर से पहले की तरह खूबसूरत बन जाती हैं। उसके बाद वो तीनों अपनी शक्ति से उस पिंजरे को तोड़कर बाहर निकल आती हैं। तभी सम्राट जादूगर पुष्पा के साथ वहाँ आ जाता है। अरे ये तीनों बहनें पिंजरे से बाहर कैसे आ गईं? और ये क्या, ये तीनों फिर से पहले की तरह खूबसूरत बन गई? अरे नहीं, सत्यानाश हो गया, इन तीनों परियों को जादुई छड़ी मिल गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा तो हम तीनों की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे तुम दोनों की साजिश थी, अब तुम दोनों हमसे नहीं बचोगे। उसके बाद वो तीनों परी बहनें अपनी जादुई छड़ी की शक्ति का इस्तेमाल करके सम्राट जादूगर और पुष्पा को मुर्गे के रूप में बदल देती हैं और उन्हें दूर कहीं जंगल में छोड़ देती हैं। इन दोनों को तो हमने उनके किए की सजा दे दी, अब हमारी उस चांडाल सास की बारी है, चलो अब उसे भी मजा चखाते हैं। फिर वो तीनों बहनें अपने घर पहुंच जाती हैं और अपनी सास की आवाज गायब कर देती हैं, जिस वजह से कामिनी बहुत परेशान हो जाती है। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाती थी। इसी तरह 9 महीने का समय समाप्त होता है और तीनों परियां बहुत ही खूबसूरत 3 बेटियों को जन्म देती हैं। घर में खुशी का माहौल छा जाता है, लेकिन कामिनी की तो अभी भी आवाज गायब थी। वो अपनी पोतियों को देखकर भावुक हो जाती है। वो उनसे बातें करना चाहती थी लेकिन कुछ बोल नहीं पाती थी। ये सब देखकर तीनों परियों को अपनी सास पर दया आ जाती है और वो उसको उसकी आवाज लौटा देती है। अपनी आवाज पाकर कामिनी बहुत खुश होती है और वो अपनी तीनों बहुओं से माफी मांगती है और वो सब अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है गर्भवती परी को कौन बचाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की ये कहानी। जोधपुर नाम के एक गांव में सोहन नाम के एक लड़के ने परीलोक की निशा परी से शादी की थी। परी होने के बावजूद निशा बहुत ही सांवली थी और दिखने में भी कुछ खास नहीं थी। इस वजह से उसकी सास चमेली उसे नापसंद करती थी और साथ ही उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। फिर एक दिन चमेली अपनी बहू निशा को लेकर किसी की शादी में जाती है। शादी में आई दूसरी औरतें जानबूझकर चमेली की बेइज्जती करने के लिए निशा की बुराई करना शुरू कर देती हैं। अरे चमेली, सच में तू बड़ी बदनसीब है, जब भी मैं तुझे देखती हूँ मुझे रोना आ जाता है,
पता नहीं कहां से इसे ये काली कलूटी बहू मिल गई। ये तो सिर्फ नाम की ही परी है, इसे घर के काम भी जरा भी नहीं आते। मैंने तो सुना है तू अकेले ही घर के सारे काम करती है, क्या ये बात सच है? उन औरतों से सहानुभूति पाने के लिए चमेली झूठ बोलना शुरू कर देती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है बहन, मेरी ये बहू बहुत बेकार है, घर के हर काम में कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देती है, जिस वजह से मुझ अकेली बुढ़िया को ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं। तेरे बेटे की अकल पर पर्दा पड़ गया था जो इस कोयले की तरह काली परी से शादी करके इसे घर ले आया? जरा हमारी बहू को देख, सुंदर रंग रूप के साथ साथ घर के कामों भी पूरी तरह निपुण है। उन औरतों की बहुओं को देख चमेली मन ही मन गुस्से से तिलमिलाने लगती है। तभी वहाँ खड़ी एक औरत आग में घी डालने का काम करते हुए कहती है, अरे चमेली बहन, तुम बहुत भोली हो, अपनी बहू की करतूतों से तुम वाकिफ नहीं हो। कल ही तुम्हारी बहू कुएं के पास एक लड़की से तुम्हारी बुराई कर रही थी, मैंने खुद अपने कानों से सारी बातें सुनी है। तुम्हारी बहू कह रही थी कि उस बुढ़िया के रहते मुझे घर में सुख नहीं मिलता, मैं तो दिन रात उस बुढ़िया के मरने की मन्नत मांगती हूँ, जिस दिन बुढ़िया मर जाएगी उस दिन पूरे गांव को 56 भोग की दावत खिलाऊंगी। बस फिर क्या था, ये सुनते ही चमेली का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उसी वक्त अपनी बहू को थप्पड़ मार कर उसे जमीन पर गिरा देती है। नहीं नहीं मम्मी जी, ये औरत सरासर झूठ बोल रही है, मैंने कभी आपकी बुराई नहीं की, मेरा यकीन करिए। अरे चुप कर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तेरी शक्ल की तरह तेरा दिल भी काला है, आज मैं तेरी खाल खींच लूंगी। उसके बाद चमेली एक छड़ी उठाकर निशा को मारने लगती है। दूसरी तरफ ये तमाशा देख वहाँ खड़ी सभी औरतें मन ही मन खुश होती हैं। उसके बाद चमेली निशा को मारती हुई घर ले जाती है। फिर कुछ दिनों बाद निशा परी गर्भवती हो जाती है। जब ये बात चमेली को पता चलती है तो खुश होने की बजाय वो मन मार कर बैठ जाती है। तभी चमेली के पास उसकी सहेली आती है। क्या बात है चमेली बहन, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या बताऊं, इन दिनों मेरी बहू गर्भवती है और मुझे डर है कि कहीं ये मनहूस अपनी ही तरह काली कलूटी लड़की को जन्म ना दे दे। पहले ही मैं काली बहू की सास होने के ताने सुन सुन कर तंग आ चुकी हूँ। अरे तू चिंता क्यों करती है चमेली बहन, मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। बगल वाले गांव में एक तांत्रिक रहता है, वो अपनी जादुई शक्ति से होने वाले बच्चों का लिंग पता कर लेता है। अगर तेरी बहू के गर्भ में लड़की हुई तो वो जहर देकर उसे पेट में ही मार देगा। अगर तू कहे तो मैं कल ही उस तांत्रिक को लेकर तेरे घर आ जाती हूँ। अरे वाह, ये तो तूने बहुत अच्छी बात बताई, तू कल ही उस तांत्रिक को लेकर आ जा। फिर अगले दिन चमेली की सहेली उस तांत्रिक को लेकर चमेली के घर पहुँच जाती है। तांत्रिक इलाज के बहाने निशा को एक दवाई खिलाकर बेहोश कर देता है। उसके बाद उसके गर्भ की जांच करने लगता है। ये तो अनर्थ हो गया बहन जी,
तुम्हारी बहू के पेट में तो इसी की तरह काली लड़की पल रही है। कहिए अब इसका क्या करना है? अरे करना क्या है, मार दो। ठीक है, मैं इस बच्ची को तो जान से मार सकता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारी बहू की भी मौत हो सकती है। मैं किसी बात की गारंटी नहीं लेता, अच्छी तरह सोच लो। अरे इसमें सोचना क्या है तांत्रिक जी, अगर ये कलमोही मर जाएगी तो मुझे इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इसे जहर पिला दीजिए, मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगी। ये सुनकर तांत्रिक बहुत खुश हो जाता है और फौरन निशा का मुंह खोलकर उसे जहर पिलाने लगता है। लेकिन तभी अचानक उल्टियां करती हुई निशा होश में आ जाती है। निशा अपनी सास के गलत इरादे समझ जाती है और उठकर वहां से भागती हुई घर से बाहर निकल जाती है। अरे ये तो भाग रही है, पकड़ो इसे। फिर चमेली अपनी सहेली के साथ मिलकर निशा को पकड़ लेती है। चलो तांत्रिक जी, जल्दी से जहर पिला दो। उसके बाद तांत्रिक निशा को जबरदस्ती जहर पिलाने लगता है। लेकिन तभी अपने जादुई शेर पर सवार आसमान से गुजर रही रानी परी ये सब देख लेती है। अरे नहीं, ये तो एक परी है, इस पर तो बहुत अत्याचार हो रहा है, मुझे फौरन इसे बचाना होगा। उसके बाद रानी परी अपने जादुई शेर को लेकर चमेली के आंगन में उतर जाती है। रानी परी को देखते ही निशा परी फौरन दौड़कर उसके पास पहुंचकर मदद की भीख मांगने लगती है। तुम चिंता मत करो, मेरे रहते तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, अब मैं इन दुष्टों को इनकी करनी का फल दूंगी। अरे तांत्रिक, ये परी तो बहुत ही खतरनाक लग रही है, जल्दी कुछ कर वरना ये हमें नहीं छोड़ेगी। चिंता मत कर, मैं अभी अपनी जादुई शक्ति से इस परी को जलाकर राख कर दूंगा। इतना कहकर तांत्रिक अपनी जादुई छड़ी निकालकर मंत्र पढ़ने लगता है। लेकिन तभी रानी परी अपनी जादुई शक्ति से तांत्रिक की छड़ी को जला देती है और उसके बाद तांत्रिक को एक कुत्ते के रूप में बदल देती है। तांत्रिक भौंकता हुआ वहां से भाग निकलता है। तांत्रिक की ऐसी बुरी हालत देख चमेली और उसकी सहेली डर के मारे कांपने लगती हैं। अरे चमेली चल भाग, वरना ये परी हमें भी किसी जानवर के रूप में बदल देगी। फिर चमेली और उसकी सहेली वहां से भागने लगती हैं। लेकिन तभी निशा परी उन दोनों की चोटी पकड़कर उन्हें मारने लगती है। अरे भागती कहाँ हो, अब तुम दोनों नहीं बचोगी। सुनो रानी परी, इन दोनों को ऐसी कड़ी सजा दो कि ये दोनों जिंदगी भर याद रखें। चिंता मत करो, इन दोनों के लिए मेरे पास बहुत ही खास सजा है। इतना कहकर रानी परी अपनी जादुई शक्ति से उन दोनों को बंदरिया के रूप में बदल देती है। अब ये दोनों इसी तरह बंदरिया बनकर दर दर भटकेंगी। इन दोनों के लिए यही सजा बिल्कुल ठीक है। तभी वहाँ निशा का पति सोहन आ जाता है। उसके बाद निशा सोहन को चमेली के बारे में वो सारी बातें बता देती है कि किस तरह वो उसकी और उसके बच्चे की जान लेना चाहती थी। सुनो निशा, कल होली का त्योहार है, इसीलिए मैं तुम्हें एक खास तोहफा देकर यहाँ से जाना चाहती हूँ। उसके बाद रानी परी अपनी जादुई शक्ति से
वहाँ रंगों से भरा एक विशाल मटका प्रकट कर देती हैं। चलो अब मटके की सीढ़ी पर चढ़कर मटके के अंदर चली जाओ। उसके बाद तुम्हें उस मटके का चमत्कार देखने को मिलेगा। फिर निशा परी सीढ़ियाँ चढ़कर मटके के ऊपर पहुँच जाती है और मटके के अंदर रंग बिरंगे पानी में उतरकर नहाने लगती है। फिर अगले ही पल निशा बहुत ही खूबसूरत और गोरी हो जाती है और उसकी साड़ी एक सोने के रूप में बदल जाती है और वो अपने पंखों पर सवार होकर एक प्यारी सी बच्ची को गोद में लिए मटके से बाहर निकल आती है। ये चमत्कार देख निशा के पति सोहन की आंखें आश्चर्य से भर जाती हैं और वो रानी परी का शुक्रिया अदा करने लगता है। अब ये जादुई मटका हमेशा तुम दोनों को हर मुसीबत से बचाएगा। कल होली के दिन तुम दोनों इस मटके के रंग से सभी गांव वालों के साथ होली खेलना। उसके बाद तुम्हारे गांव की तकदीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। उसके बाद रानी परी का जादुई शेर हवा में उड़ता हुआ उसे लेकर आसमान में दूर कहीं गायब हो जाता है। फिर अगले दिन सोहन सभी गांव वालों को होली खेलने के लिए अपने घर बुला लेता है। अच्छा तो तुम सब होली खेलने यहाँ आ गए। चलो आज मैं तुम्हारे साथ ऐसी रंग बिरंगी होली खेलूंगा जिसे तुम जिंदगी भर याद रखोगे। फिर जादुई मटके के पानी के अंदर से ढेर सारे रंगों से भरे बड़े गुब्बारे बाहर निकलकर गांव वालों के ऊपर गिरने लगते हैं। उन गुब्बारों के फूटते ही गांव वालों के शरीर में मौजूद साधारण कपड़े सोने के कपड़ों में बदल जाते हैं। उसके बाद जादुई मटके से रंगों का फव्वारा फूट पड़ता है और उस फव्वारे का पानी गांव में मौजूद सभी टूटे फूटे घरों को सुंदर मकानों के रूप में बदल देता है। ये सब देख गांव वाले खुशी से उछल पड़ते हैं और जादुई मटके का शुक्रिया अदा करते हुए हंसी खुशी एक दूसरे के साथ होली खेलने लगते हैं। इस तरह वो जादुई मटका निशा के साथ साथ पूरे गांव वालों की किस्मत बदल कर उनके जीवन में खुशियों का उजाला भर देता है। उस दिन के बाद से उस गांव की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और गांव के सभी लोग धनवान बनकर अपना जीवन हंसी खुशी जीने लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।